हेलो स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट सीरीज के लेक्चर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने इनफाइनाइट सीरीज के कन्वर्जेंस की बात की कि एक इनफाइनाइट सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है। इनफाइनाइट सीरीज के कन्वर्जेंट के लिए एक आवश्यक शर्त की बात की, नेसेसरी कंडीशन फॉर ए कन्वर्जेंट सीरीज। और इसके अलावा तीसरे लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक सीरीज के कन्वर्जेंस का डिस्कशन किया था। आज हम धन पदों की श्रेणियां, यानी ऐसी सीरीज जिनकी सभी टर्म्स कैसी हों, पॉजिटिव हों, इनकी बात करेंगे कि एक ऐसी श्रेणी जिसके सभी पद पॉजिटिव हों, धन पदों की श्रेणी कहलाती है। अर्थात समेशन यू एन एक सीरीज है, धन पदों की श्रेणी कहलाएगी यदि यू एन ग्रेटर देन जीरो हो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, यानी यू एन इसका प्रत्येक पद जीरो से बड़ा हो तो ये सीरीज हमारी धन पदों की श्रेणी कहलाएगी। अगर हम इसका आंशिक योगफलों का अनुक्रम देखें तो एनवा आंशिक योगफल एस एन होगा इस सीरीज की फर्स्ट एन टर्म्स का सम, यू वन प्लस यू टू प्लस यू एन, एन प्लस वन वा आंशिक योगफल एस एन प्लस वन होगा यू वन प्लस यू टू प्लस यू एन प्लस यू एन प्लस वन, यानी एन प्लस वन टर्म्स होंगी। इन दोनों का डिफरेंस लें, एस एन प्लस वन माइनस एस एन, तो वो आता है यू एन प्लस वन। अब ये हम जानते हैं यू एन ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी एस एन प्लस वन माइनस एस एन जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि एस एन प्लस वन ग्रेटर देन होगा एस एन से फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। यदि आप एन का मान एक रखेंगे तो एस टू ग्रेटर देन होगा एस वन से, एस थ्री ग्रेटर देन होगा एस टू से, एस फोर ग्रेटर देन होगा एस थ्री से। यानी कि जो हमारा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है, आंशिक योगफलों का अनुक्रम है, वो एक एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। यानी एक बात स्पष्ट हुई कि जब हमारी सीरीज की सभी टर्म्स धन हो, पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए आंशिक योगफलों का अनुक्रम सदैव एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम होता है। और हम अनुक्रम के अभिसरण से हम जानते हैं कि एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम अगर एस एन कैसा है, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, तो ये कन्वर्जेंट होगा। इसके लिए हम सिर्फ इतना बता दें कि एस एन परिबद्ध है, एस एन और वर्धमान के केस में ऊपर से परिबद्ध है, ठीक है। तो एक सीरीज, धन पदों की सीरीज को कन्वर्जेंट बताने के लिए हमें क्या देखना करना होगा, उसके आंशिक योगफलों के अनुक्रम को सिर्फ ऊपर से परिबद्ध बताना होगा। ये हम सीक्वेंस के अभिसरण से जानते हैं कि ऊपर से परिबद्ध एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम कन्वर्जेंट होता है, अभिसारी होता है। पिछली क्लासेस में हमने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की लिमिट, यानी आंशिक योगफलों की सीमा निकालना संभव नहीं था। और अगर आंशिक योगफलों की सीमा नहीं निकाल पाएंगे तो हम सीरीज के कन्वर्जेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो उस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए, उसके लिए हम कुछ टेस्ट पढ़ेंगे। पहला टेस्ट है जिसका नाम है तुलना परीक्षण, कंपेरिजन टेस्ट बोलते हैं हम इसको। इस परीक्षण में हम दो श्रेणी लेंगे, यानी एक तो वही श्रेणी होगी जिस श्रेणी को हमें चेक करने के लिए बोला जाएगा कि वो श्रेणी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसके लिए हम एक ऐसी श्रेणी लेंगे जिसके अभिसरण अथवा अपसरण के बारे में हम पहले से जानते हैं। तुलना परीक्षण में हम क्या करेंगे, एक श्रेणी, दूसरी श्रेणी लेंगे जिसको हम पहले से, प्रथम तुलना परीक्षण यानी फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट हम देखते हैं। यदि समेशन un तथा समेशन vn दो धनात्मक पदों की श्रेणियां हैं, यानी दोनों सीरीज कैसी हैं, धन पदों की श्रेणी है, तब यदि समेशन vn अभिसारी हो, यानी इस सीरीज के बारे में हमें पता हो कि वो कन्वर्जेंट है, तथा एक शर्त और दी हुई है
कि यू एन लेस देन इक्वल्स टू वी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। यानी इस शर्त का मतलब क्या हुआ कि इस सीरीज की प्रत्येक टर्म उसके संगत टर्म, इस सीरीज की संगत टर्म से छोटी या बराबर हो तो समेशन यू एन भी अभिसारी होगी। ये प्रथम तुलना परीक्षण है। इसका दूसरा भाग ये है, यदि समेशन वी एन जो सीरीज हम जान रहे हैं या जो सीरीज हम लेंगे, समेशन वी एन अपसारी है तथा यू एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, यदि ये दो शर्त दी हुई हैं तो समेशन यू एन भी कैसी होगी, अपसारी होगी। ये हमारा प्रथम तुलना परीक्षण है। इसका बहुत आसान सा प्रूफ हम देख सकते हैं। इसके लिए प्रूफ के लिए हम दोनों सीरीज के समेशन यू एन और समेशन वी एन सीरीज के आंशिक योगफल देखते हैं। एस एन एनवा आंशिक योगफल क्या होगा, इस समेशन यू एन सीरीज की प्रथम एन पदों का योग, यू वन प्लस यू टू प्लस यू एन, और समेशन वी एन का आंशिक योगफल या एनवा आंशिक योगफल एस एन डैश से प्रदर्शित किया है हमने। तो एस एन डैश होगा वी वन प्लस वी टू प्लस वी एन, प्रथम एन पदों का योग किस सीरीज के, समेशन वी एन के। चूंकि ये हमें दिया है समेशन वी एन अभिसारी है, कन्वर्जेंट है, गिवन है ये हमें, अतः एस एन डैश सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका आंशिक योगफलों का अनुक्रम भी कन्वर्जेंट होगा, अतः एस एन डैश जो होगा आंशिक योगफलों का अनुक्रम वो भी अभिसारी होगा। अब एस एन डैश कन्वर्जेंट है तो हम सीक्वेंस से हम जानते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस परिबद्ध जरूर होता है, तो एस एन डैश हमारा परिबद्ध भी होगा। और परिबद्ध अनुक्रम की परिभाषा से फर्स्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं, तो एक ऐसा के विद्यमान होगा कि एस एन डैश लेस देन होगा के से फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। यानी इस अनुक्रम की प्रत्येक टर्म, प्रत्येक आंशिक योगफल के से छोटा होगा। अब हम समेशन यू एन सीरीज के आंशिक योगफलों को देखते हैं। एस एन क्या है, यू वन प्लस यू टू प्लस यू एन, और ये हमें दिया है कि U1 V1 से छोटा और बराबर है, U2 V2 से छोटा और बराबर है, इसी तरह UN भी VN से छोटा या बराबर है। तो SN जो होगा वो लेस देन और इक्वल्स टू होगा SN डैश से, ये स्पष्ट है। चूंकि SN डैश K से छोटा है तो SN यानी समेशन UN का आंशिक योगफल N वा आंशिक योगफल SN K से छोटा होगा और ये प्रत्येक n के लिए सत्य होगा। इसका मतलब जो हमारी सीरीज समेशन un है उसके आंशिक योगफलों का अनुक्रम sn ऊपर से परिबद्ध है। और अभी हम पीछे ही बता के आए हैं कि धन पदों की श्रेणी का जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है, एक दिष्ट वर्धमान होता है और ऊपर से भी परिबद्ध है, अतः SN अभिसारी होगा। इसलिए SN क्या होगा, अभिसारी होगा। और किसी सीरीज का आंशिक योगफलों का अनुक्रम अभिसारी है इसका मतलब वह सीरीज अभिसारी है। तो ये हमारा प्रथम तुलना परीक्षण का जो पार्ट फर्स्ट था उसका प्रूफ हुआ। क्या था कि समेशन UN अभिसारी है और यू एन लेस देन इक्वल्स टू वी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन तो समेशन यू एन भी क्या होगी, अभिसारी होगी। अब हम इसका दूसरा पार्ट प्रूफ करेंगे कि यदि सीरीज समेशन वी एन अपसारी है, डाइवर्जेंट है, और यू एन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू फॉर ऑल फॉर यू एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन तो समेशन यू एन भी डाइवर्जेंट होगी, अपसारी होगी। ये भी बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। चूंकि समेशन वी एन डाइवर्जेंट सीरीज है अतः इसका जो आंशिक योगफलों का अनुक्रम एस एन डैश होगा वो भी डाइवर्जेंट होगा, अपसारी होगा। और आंशिक योगफलों का अनुक्रम डाइवर्जेंट होने का मीनिंग है कि इसकी जो लिमिट होगी वो इन्फिनिटी होगी,
यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन डैस प्लस इन्फिनिटी होगी, माइनस इन्फिनिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि धन पदों की श्रेणी है। अब समेसन यू एन सीरीज के लिए आंशिक योगफल देखते हैं, तो एनवा आंशिक योगफल एस एन होगा यू वन प्लस यू टू प्लस यू एन, और ये हमें दिया गया है कि यू वन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है वी वन के, यानी यू वन वी वन से बड़ा या बराबर है, यू टू वी टू से बड़ा या बराबर है, इसी तरह यू एन वी एन से बड़ा या बराबर है। तो एस एन जो हुआ हमारा वो बड़ा या बराबर होगा एस एन डैस से। अगर हम दोनों तरफ लिमिट लें, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन डैस, और इसका मान क्या है इन्फिनिटी, अतः लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन भी क्या होगा इन्फिनिटी ही होगा। इसलिए जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है आंशिक योगफलों का अनुक्रम कौन सी सीरीज का, समेसन यू एन सीरीज का, वो भी अपसारी है, और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स डाइवर्जेंट है तो हमारी सीरीज भी डाइवर्जेंट है, इसलिए समेसन यू एन भी अपसारी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा तुलना परीक्षण देखेंगे।